प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया, आज हम आनंदित हैं। प्रभु की उपस्थिति में बने रहना एक बहुत बड़ा आशीष। आपका जीवन में वजन सुनने के लिए, वजन पढ़ने में, वजन पर चलने के लिए प्रभु मदद करते हैं। आमेन। दैट इज द साइन ऑफ ब्लेसिंग। आपका जीवन की आशीष का एक साइन है वो। प्रभु आपको बहुत आय से मदद करने पाए। आज का वचन नीति वचन उसका 28वीं अध्याय उसका 20वीं पद में हम देखते हैं, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। यहाँ पर परमेश्वर सच्चे मनुष्य को बहुत आशीष देते, आशीर्वाद देते। फेथफुल पर्सन, विश्वास योग्यता, हर बातों में हमारा जीवन में फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता हमें रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर विश्वास योग्य या फेथफुल पर्सन, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। वंस इन ए वाइल नहीं, आशीर्वाद होते रहते। आपका जीवन में फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता, मनुष्यों के साथ, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर आपके पास जो कुछ भी दे देते हैं उन सारी बातों में विश्वास योग्यता रखना है। दूसरी बात वहां पर लिखा हुआ है, परंतु जो धनी होने में उतावली करता वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। इंग्लिश में, बट हूएवर इज इन ए हरी टू गेट रिच विल नॉट एस्केप पनिशमेंट। कुछ लोग होते हैं बहुत सारे जल्दी से धनी होने के लिए कोशिश करते हैं, जल्दी से धनी होने के लिए बहुत सारे गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करते, बहुत सारे। एग्जाम्पल है, हम यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, उसमें से एक चेले यहूदा यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, तभी उसके अंदर एक लालच, धनी होने का, पैसा की लालच उनका जीवन के लिए बहुत बड़ा नाश। वो प्रभु यीशु मसीह की चेला होते हुए भी उनका जीवन में बहुत सारे आशीष हो सकते थे, लेकिन जल्दी से धनी बनने की एक कोशिश, पैसा का लोभ उनका जीवन में आया। वो यीशु मसीह को दिखाने के लिए याचकों के साथ, महायाचक के साथ एक सेटलमेंट किया गलत तरीके से, चाहे किसी भी तरीके से, अपना मालिक को पकड़वा के हो, अपना गुरु को पकड़वा के हो, मुझे तो पैसा चाहिए। आखिरी में उसको क्या मिला? उनका जीवन में, उसका जीवन के आशीष को नाश हो गया। मेरा प्रियो, बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, लोगों का चरित्र है, जल्दी रिच बनने के, अमीर बनने की एक बहुत बड़ा लालच, ऐसा ना होने पाए। बाइबल कहते हैं पैसा का लोभ हर प्रकार की बुराई का जड़ है। परमेश्वर का भय में और परमेश्वर का वचन के अनुसार विश्वास योग्यता का साथ सच्चाई में आप जीवन बिताए, बाइबल कहते हैं तुम्हारा जीवन में आशीष होते रहते। पिछले दिनों में अज्ञानता का कारण इसे जीवन में आया है, आज मन फिराने का समय है। मुझे धनी बनाने के लिए लालच में गलत तरीके से, किसी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू बी फेथफुल। आप किसी पदवी में बैठे हुए व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक ऑफिसर हो सकते हैं, आप सरकारी ऑफिसर हो सकते हैं, आप एक कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक किसी भी जगह पर काम करते हैं। फेथफुलनेस, आप अपनी कंपनी में फेथफुलनेस, आप सरकारी ऑफिस में फेथफुलनेस, आपका दिया हुआ पदवी में फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता में उसमें काम करना चाहते हैं, ऐसा काम करेगा। आपको मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं ढलेगा। ये वचन के अनुसार अगर आप जीवन बिताएगा, आने वाला दिनों में परमेश्वर की आशीष आप देखेंगे। ये वचन सच्चा है, बाइबल में लिखा हुआ है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरते। That person will be punished. उसका जीवन में सजा, गलतियाँ, उसका जीवन में पनिशमेंट आ जाएगा, क्योंकि
हमें पैसा के लोभ आ जाए तो गलत तरीके से कमाने के लिए हम रास्ता ढूंढेंगे। नेवर, कभी नहीं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, बड़े जल्दी से धनी बनाने के लिए जो उतावली करते हैं वो दोषी ठहराएगा। प्रभु, ऐसे वो वाला लालच, पैसा का लोभ लोगों का मन से हट जाए। प्रभु यीशु मसीह, विश्वास, योग्यता और सच्चाई लोगों का जीवन में परमेश्वर का भय मानते हुए हर एक क्षेत्र में जहां पर भी वो हो विश्वास योग्यता का साथ काम करने में और परमेश्वर के भय में जीने से जीने के लिए और परमेश्वर से जो आशीर्वाद और आशीष पाने के लिए प्रभु मदद करें। आप अपना प्रिय लोगों को स्वर्ग का जरोखा खोल कर अपरंबार आशीष करने वाला परमेश्वर है। सबका जीवन में ऐसे आशीष आने पाए, आपने ऐसे किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत आशीष में जिएंगे। आमेन।